बाकी दोस्तों अभी मैं और मेरी माँ जी है कुंड, और यहाँ ये सारे खेत है मंडवा यानी कि कोदे के भाई। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश्वर और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव यानी कि मेरे गांव बधाणी ताल से, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए जी आपसे करने कुछ बात, तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है भाई कुंड से, और मैं और माँ जी आ रखे कुंड कोदा लोने यानी कि मंडवे की लवाई कर रहे नी माँ जी। तो यहाँ देख लो भाई, इधर चाची ने लो बड़ी चाची जो बीच यहाँ की बात करें, इधर है भाई चाची जी, चाची भी लगी है कोदा कोदे की लवाई करने पे। नहीं चाची कचा लो तुम, इतना कोदा काट दिया चाची ने देख लो। और इधर है भाई बड़ी, बड़ी तुमने कितना किया काम, आधा फोंग ले ली। अच्छा तो देख लो भाई ये लड़की है बड़ी की कंडी, और कंडी फुल भरने वाली है भाई। वाह। और बाकी दोस्तों साथ साथ में यहाँ सभी लोग आ रखे हैं, इधर नीचे दादी है, सामने भी दादी है, और सामने चाची है भाई, चाची और चाची का कुत्ता। वाह देखो भाई, कल तो लोगों के यहाँ धान की लवाई चल रही होगी यानी कि सट्टू की लवाई, और हमारे यहाँ धान नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है मंडवा, मंडवा यानी कि कोदा, और हमारे यहाँ चल रही है आजकल मंडवा की लवाई। कहीं कहीं तो मंडवा की लवाई हो गई है या हो ही रही है, पर हमारे यहाँ हाल ही में स्टार्ट हो रही है। निमा लो भाई, बाकी दोस्तों देख लो भाई मंडवे की लवाई कैसे करते है, मैं आपको दिखाता हूँ। माँ काटो तो ये देखो भाई ऐसे, ये या हाँ ये देखो भाई, ये देख लो, ये है भाई कोदा यानी कि मंडवा। बाकी दोस्तों ये वाला खेत है मंडवे का, और इधर है भाई चौलाई, चौलाई यानी कि मार्चा, मार्चा चौलाई, चौलाई की फसल होती है अगले महीने तक भाई देख लो। मेरे सर पे रखा है ड्रोन, आज देखते हैं ड्रोन उड़ता है सर से कि नहीं उड़ता है, क्या होता है। हवा आ रही है बहुत भयंकर वाली। ओ भाई सर से ड्रोन तो उड़ गया है, माँ ने ढंग से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि माँ ने अपने जमाने में फोन नहीं देखा भाई, साफ बात है क्या करना। और ये सामने रहा भाई ड्रोन, ओ भाई साहब। बाकी दोस्तों मुझे डर भी लग रहा था, मुझे लग रहा है ये उड़ क्यों नहीं रहा है। माँ जी के साथ कोदा लोता हूँ, कूद लू ठीक है, इधर दो ये देख लो भाई ऐसे लोते है कोदा। ये देख लो भाई इतना सारा मंडवा यानी कि कोदा, अब इसे रखना है इस कट्टे में, एक कट्टा तो भरने वाला है हमारा भी। बाकी दोस्तों मुझे तो नहीं आता है कोदे की लवाई करना, पर मेरी माँ जी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्यों माँ जी? माँ तो बहुत खतरनाक है यार, मैंने कभी किया नहीं, मैं तो बस इसे सारने वाला हूँ। जैसे माँ ये कट्टा भरेगी ना तो मैं इसको घर ले जाऊंगा नी माँ जी। और कोदे पे अभी भी बहुत सारा सारा प्रोसेस बाकी होता है भाई। अरे भाई आशीष का कुत्ता। और बाकी भाई देख लो चाची भी आ गई है, चाची कथे हाल हुई तीन कोद हम तो भैया बैठ वहाँ बैठ। बाकी दोस्तों चाची ने तो कोदा की लवाई कर दी है, देख लो भाई चाची की कंडी, ये है कोदा, ये है कंडी, पहाड़ी कंडी जो कि रिंगाल की बनती है भाई। अब घर जा ठीक चिता भाई, ओके बाय। क्या हुआ बेटे क्या हुआ? अरे मत कर मत कर, अरे भाई मत कर यार।
क्या हुआ? अरे तो दिया ना 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 ना। तो देख लो भाई, बाकी दोस्तों खेत में बहुत सारे कुत्ते आ गए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रिक होगा भाई। भाई साहब इसकी पूंछ ही नहीं है ना तब। और दो कुत्ते इधर है बल। बाकी दोस्तों माजी ने एक कट्टा लेन लिया है, ये देखो भाई। अब मुझे ये घर ले जाना है, उसके बाद माजी ने दूसरा कट्टा लेना है, तब मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है, तब मैं घर में भात बनाऊंगा, दाल बनाने तुम आ जाना, ठीक है? चलिए भाई, कोदा भी लौ दिया है। तो इस साल का हमारा ये पहला कोदा है भाई, यानी कि पहला मंडवा। चलो भाई, ठीक है तब भाई। हम ओ भाई साहब भारी भी हो रहा है, बड़ी संभल के चलना पड़ेगा भाई। बाकी दोस्तों बड़ी संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि देख लो भाई पहाड़ों के रास्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, घास फूस के बीच से जाना पड़ता है। ओ तो बाकी दोस्तों मैंने ये कोदे का कट्टा यहाँ पे रख दिया है, खाना बनाने का टाइम हो गया है, मैं फटक से भात रख देता हूँ भाई। दोस्तों माजी को तो बहुत टाइम लग जाएगा खेत में, तब तक तो भाई मेरा खाना बन जाता है। बाकी दोस्तों आज मौसम की बात करें, मौसम आज सुबह से खराब ही है, यानी कि धूप बिल्कुल भी नहीं आई, हमको बारिश भी आ सकती है भाई। सोनाक्षी तो स्कूल जा रखी है, थोड़ी देर में सोनाक्षी भी आने वाली होगी। फूल कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बड़े बड़े हो गए भाई हमारे ये फूल भी। यहाँ की बात करें, इधर माजी के टमाटर लगा रखे थे, ये भी लाल लाल हो गए हैं। आज या कल में इनको निकालना पड़ेगा भाई, वरना बरसात से ये खराब हो जाएंगे। मिर्ची भी देख लो भाई, पता नहीं क्यों काली पड़ रही है। तो मेरा भात तो पक गया है, तो बस भात बना दिया मैंने। हाँ साग आप बनाओ। तो देखो भाई मेरे चलते चलते माजी भी आ गई है। माजी थोड़ा लाए आप, चलो कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे। बाकी भाई कोदा क्या बोलूं, द्वार त्यार चल रही, यानी कि कोदा हो रखा है खराब, बारिश के कारण झुक रखा है, इसीलिए कोदे काटने में, कोदे की लवाई करने में बहुत आफत आ रही है भाई। क्या करे यार। दोस्तों भात तो मैंने बना दिया है और माजी बनाएगी साग, तो देखते हैं माजी क्या बनाती है। मुझे जाना है चक्की में, ठीक है? क्या चीज हमारे पर इस पे गेहूं और कोदो, यानी कि मंडुआ और गेहूं, ये पीसने जाना है, ठीक है? ठीक है आता हूँ। तो चलो भाई अभी मैं चक्की में पहुंच चुका हूँ। दोस्तों जो हमारे गाँव में चक्की है वो यहाँ पर है, और ये अभी पंचायती चौक यानी कि चौड़ा की है। ये भी मेरे दोस्त बलराम की है भाई, उनके बलराम के पिताजी बैठते हैं चक्की में, यानी कि वो चलाते हैं यहाँ पर चक्की। अभी मैं चलता हूँ दादी की खबर करने भाई, कि भाई छोटी दादी जी की तबीयत खराब है। चलो चलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ छोटे वाले ताऊ जी के घर पर। बाकी इधर भी दादी बैठी है, इधर चाची बैठी है। दादी पील चा सब बीमार होना, सब बीमार होना। इधर पंडित जी हैं, कुछ प्रणाम, ठीक हो? बस तुम और स्वास्थ्य। और इधर है बड़ी, और इधर है भाई दादी। दादी प्रणाम। दादी कंज तबियत, दादी की तबियत बहुत खराब हो गई है। दादी को पीलिया भी हो गया है, बुखार भी आ गया। बड़ी क्या हुई दादा? आते भी पूरी सूख रखी है भाई, डॉक्टर के पास ले जा रखी थी दादी, डॉक्टर ने बोला बल्कि खाना न खाने के कारण हुआ ये सब। पानी कमी भी हुई बोले, क्या बोलता? परसों तक दादी की तबीयत ठीक थी, और अचानक ही पता नहीं क्या हुआ। अभी बोलते हैं समय का कोई भरोसा नहीं है, किसी समय कुछ तो किसी समय कुछ। नहीं दादी कोई बात नहीं, बेजोल ठीक है। क्या करें भाई, पता नहीं क्या क्या हो रहा है गांव में आजकल। चाची है, चाची को भी बल पीलिया हो गया। नहीं दादी सब परेशान, सब क्या करें। स्विच, अरे ये देख लो ये दो दशमी पानी। तो चलो भाई अब किचन में चलते हैं। ना क्या बनो नहीं तो आज ये बना रहे हैं भाई खीरकंडे की सब्जी, और आजकल सब्जी की तो कमी ही नहीं है। इधर आलू देख लो भाई, कितने सारे आलू हैं भाई, जिसको चाहिए होगा बता देना भाई, आलू ही आलू है। ये देख लो भाई साहब। और बाकी दोस्तों पीलिया वाले खाते हैं भाई झंगोरा और छांस। लो दादी क्या कान खाने चीज या बोलू जो खराब नहीं हुआ था। ठीक है तब खाओ तब, ठीक छ दादी तब। ना ना बात अब बात ही खान जान गौर ना, ठीक तब दादी एक शरीर ले। जल्दी जल्दी घर चलता हूँ, माजी भाई इंतजार कर रही होगी खाने का। तो चलो भाई अब घर पर पहुँच चुका हूँ। वहाँ क्या करनी बने साग, क्या बने साग? अरे वाह आज माजी ने कड़ी बना रखी है भाई, कड़ी यानी कि पयो। हाँ चला गया था है। दादी की तबीयत ठीक भी है खराब भी है, पर अब जैसे कि पहले से थोड़ा आराम है। झमुर झमुर खानी चाहिए तब वो चलिए दिन में ठीक ना। बस
तुझे तो भाई। और बाकी भाई ये देख लो, ये माजी का लारका है, पुराना कंडा कट्टे पे ये कूदा है, ये माजी ने कंडे पे डाल दिया। अरे वाह। हाँ भाई, कब आई स्कूल से? आ गई थी अभी अभी। हैं? अभी अभी। अच्छा, क्या किया स्कूल में? कुछ नहीं, रैली की तैयारी हो रही है। 13 तारीख है रैली। 13 तारीख को? ओहो, सोनाक्षी की रैली है भाई 13 तारीख को। और सब बढ़िया ना? हाँ। अभी कहाँ जा रही थी? साय जा रही थी। क्यों? बड़ी अम्मी का फोन था। अरे देखो भाई, माँ भी अपना फोन कहीं भी छोड़ देती है, क्या बताए। चलो चलो ठीक। चलो भाई, ये कंडा फुल हो गया है। माँ अब क्या करना है इसके बाद? इसका बाकी दोस्तों, अब कोदे में डालना है हमको पानी, तब कुछ दिन तक ये रहने देना है, उसके बाद होगी इसकी क्या मनाई? मनाई होगी भाई। तो चलो बढ़िया है। ये दोस्तों हमारे खाना खाने की तैयारी। क्यों भाई रश्मि? हाँ, तो क्या क्या है आज खाने में? पाइयो पाइयो खान तुम्हें? अच्छा शिवम, बढ़िया। चलो भाई बढ़िया करके पयो भात खाते हैं। और ये देख लो भाई, ये थाली पे लागी क्या? क्या बोल रहा है? क्या खड़ी बात है? चल हाँ भाई, कैसा हो रहा खाना? अच्छा, खाओ खाओ, खूब खाओ। बाकी सामने चाची खा रही है। माँ तू नहीं खानी? खा, ठीक है। हमारा खाना भी हो गया है। मैं थोड़ी देर छत पे आ रही हूँ, मैंने सोचा मैं तब तक व्लॉग बना लूँ। रश्मि भी घर चली गई है, रश्मि का भी कोई जरूरी काम पड़ गया था, शायद से कपड़े धोने जा रखी है।